गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है मेरा जो बाइक है एवेंजर क्रूज 220, उसका लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ये बाइक के ऊपर में, मैं इतना दिनों से इस बाइक को चलाया और इतना डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लेके गया हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आया, इसका परफॉर्मेंस कैसा था, इसमें क्या दिक्कत है और क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने किया, ये सब लेके मैं आज बात करूँगा। और मॉडिफिकेशंस वो भी ऐसा है कि मैं ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन करता नहीं हूँ बाइक में, क्योंकि कंपनी फिटेड चीज़ें जो होता है वो अच्छा होता है और मुझे वो ही अच्छा लगता है। अभी चलते बाइक के पास, नीचे में मेरा जो गराज है वहाँ पे, जहाँ पे मैं बाइक रखता हूँ वहीं में मैं बाइक को निकाल के सामने में, घर के सामने में खड़ा करके आप लोगों को उसका रिव्यू दे दूँगा। गाइस, ये रहा मेरा बाइक, घर के सामने में ही है, एक छोटा सा पार्ट है जिसको मैंने मेरे घर के सामने में गराज टाइप का बनाया, यहीं पे बाइक रहता है। इसका जो क्रोम वगैरह जो भी है, अगर आप अच्छे से देख लोगे तो पता चलेगा कि इसमें ना ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह छोड़ के और कहीं पे भी रस्ट नहीं आया है, ठीक है ना। ना साइलेंसर पे है, ना व्हील्स पे है, कहीं पे भी कोई उतना रस्ट नहीं, पर कहीं पर रस्टिंग या वैसा कुछ नहीं आता है। अभी जितना भी क्रोम वाला जगह है मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे भी है। इसका मिरर तो बहुत अच्छा है, जैसे आप अगर इसको ऐसे टिल्ट करके रखोगे तो ऐसा सब दिखेगा कि पीछे में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सब कुछ। बैक रेस्ट में भी क्रोम है और थोड़ा बहुत दाग जो आया है ये पानी का स्पॉट्स है नॉल, पर वैसे कुछ है नहीं गाड़ी में, मतलब कलर उड़ गया है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और नॉर्मल जैसा था ख़रीदने के बाद से वैसा ही है। अभी भी कोई पेन प्रोटेक्शन या कुछ भी नहीं लगाया हुआ इसमें। और मैं आपको एक एक चीज़ क्या क्या मॉडिफाई किया वो भी दिखाता जाता हूँ, और इसमें क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ वो भी बोलता जाता हूँ। जैसे आप पहले मान लो कि इसका विंडस्क्रीन ये बहुत बड़ा है, कंपनी फिटेड ही आता है ये भी, तो मुझे बदलना नहीं पड़ा या ना तो आफ्टर मार्केट लगाना पड़ा। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप हाईवे में 100 के ऊपर में रन करोगे उस टाइम में आपको पता चलेगा कि ये कितना हेल्पफुल है, अभी आपको उतना पता नहीं चलेगा। सिटी में अगर आप डे टू डे राइड कर रहे हो तो पता नहीं चलता है, हाईवे में पता चलता है कि ये कितना हेल्पफुल है। फिर आ गया ये हैंड गार्ड्स, ये हैंड गार्ड्स अच्छा है, प्लास्टिक का है, ठीक है, फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था। अगर आपको लेना है ये वाला तो लिंक दे दूँगा, 1400 या 1500 का ऐसा कुछ प्राइस आता है इसका। मैंने बहुत बार धक्का मारा, आप देख भी सकते हो कि इसमें बहुत सारा दाग है, स्क्रैचेस है, और ये मेरे को तो लगता है कि किसी को हाईवे में उतना नहीं लगेगा, अगर बाइक गिरता है तो अलग बात है वरना उतना नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा जो आपको लगेगा वो सिटी में रहे, ऑटो आ गया, टोटो आ गया, साइकिल वाला आ गया, बाइक वाला आ गया, टैक्सी वाला भी आके घिस देता है, तो उस टाइम आपका हाथ जो है वो बच जाएगा। प्लास्टिक का है पर ये बहुत काम का है। ये एक मॉडिफिकेशन मैंने करवाया, और ये जो है इस साइड से दिखाता हूँ, आ जाओ, ये मोबाइल होल्डर है विद चार्जर, पानी नहीं जाता इसके अंदर में क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, इसमें ये बंद किया हुआ है। ऑटोफाई का है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। ये मैं एक चार्जिंग पॉइंट लगाया है पर अभी तक यूज़ में उतना आया नहीं है तो इसको तो रहने ही दो। ये दो पैड मैंने लगाया है, किस लिए लगाया आप देख सकते हो कि धूल मिट्टी सारा यहाँ पे जमा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला धूल मिट्टी सस्पेंशन के अंदर में जाता है और वो कटने का चांसेस रहता है तो इससे बच जाता है, इसीलिए मैंने इसको लगाया है। और हेडलाइट मैंने चेंज करके इसको नाइट आई लगाया है, रात को मैं इसका वीडियो बना के दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो बोलूँगा कि इस प्राइस रेंज में बेस्ट है नाइट आई। और ये रहा 3 LED वाला एक फॉग लैम्प, नहीं बोलूँगा ऑक्स या एक्स्ट्रा लाइट बोल सकते हो क्योंकि बनने वाला फॉग में आप कुछ नहीं देख पाओगे।
पर ये अच्छा नहीं है, हीट जनरेट करता है। ये वाला जगह जो आप देख रहे हो ना, ये घिसा घिसा सा दिख रहा है, ये कुछ नहीं, ये बर्न हो चुका है। ये वाला बाहर का पोर्शन, ये इतना हीट जनरेट करता है कि ये बाहर का पोर्शन जल चुका है, ठीक है, इसको मत खरीदो। ऑल एक्सट्रीम का था, पर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। लाइट ठीक है, मोटा मोटी, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, काम चला हुआ है, पर ऑल एक्सट्रीम का माल मत लो। ये वाला प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं लगा मेरे को, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ मैं यूज़ किया, क्योंकि सिटी में तो इसको मैं यूज़ करता नहीं हूँ, और लॉन्ग में खाली वो भूटान में लेके जलाया था इसको, अच्छा काम नहीं किया। यही बस मॉडिफिकेशन किया हुआ है और आफ्टर मार्केट कुछ नहीं लगाया हुआ है, जो भी है सब स्टॉक है कंपनी फिटेड। एज आई सेड के मेरे को कंपनी फिटेड चीज़ें अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने कोई माउंट नहीं लगाया क्योंकि सैडल बैग यहाँ पर ईजिली बैठ जाता है, ये है, और ये वाला गार्ड से ये ईजिली बैठ जाता है सैडल बैग यहाँ पर। पहले बात करते हैं हैंडल, हैंडल बहुत बड़ा है, तो पहले जब आप इसको ख़रीदोगे तो सिटी राइड में थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि हैंडल बड़ा है। हाईवे में बहुत कंफर्टेबल है, पर सिटी राइड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उतना भी नहीं कि आप चला नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा मतलब बहुत ही थोड़ा, नॉमिनल। तो बहुत बम्पर टू बम्पर जैम में दिक्कत आ सकता है पहले पहले फर्स्ट टाइम, पर दो तीन बार चलाने के बाद जब आप यूज़ टू हो जाओगे तो तब तो कोई बात ही नहीं रहा। 40 लीटर का टैंक है, 130 तक ये चला जाता है गाड़ी, 30-35 तक जाता है, मैं अभी 25-130 तक ही जा पाया हूँ। अच्छा, ये स्टॉक टायर्स है, आप देख सकते हो, मैंने अभी तक खरीदने के बाद से बदला नहीं, जो भी टायर में ये जो देख रहे हो टायर, ये स्टॉक टायर है मेरा, ठीक है, अभी तक मैं बदला नहीं, और ये बहुत जगह पर गया है, अभी तक एक बार भी पंक्चर नहीं हुआ टायर है, ठीक है, ये मैं बदला नहीं अभी तक, चल रहा है अभी भी, अच्छा खासा ग्रिप है। पर अगर आप आफ्टर मार्केट ख़रीदना चाहते हो, मतलब आपका टायर घिस चुका है, आप अगर बदलना चाहते हो, तो आई डोंट रिकमेंड दिस टायर्स कॉज इसका ग्रिप अच्छा नहीं है, ये फिसलता है। अभी सिटी राइड में आपको पता नहीं चलेगा, जब आप सिटी में राइड करोगे तो ठीक ठाक चलेगा, पर थोड़ा बहुत ग्रेवल्स वाला जहाँ पे लूज़ मिट्टी होता है ना, बाली वाली सैंड वैंड तो छोड़ ही दो, मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे मिट्टी थोड़ा ग्रेवल टाइप का है, पत्थर है, कुछ भी है, वहाँ पे ब्रेक मारने से संग के संग स्कीड मार देगा, ये इसका मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपको, यही वाला दिक्कत ही है टायर का। पर अभी तक फटा नहीं है, पंचर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत जगह पर गया है, स्टॉक ही लगा हुआ है, एक भी पंचर नहीं है। टेस्ट अच्छा है बहुत, ये मतलब आपका कमर तक नहीं आता, कमर के ऊपर तक आता है, मतलब जहाँ पे बैक रेस्ट चाहिए बैठ के रिलैक्स करने के लिए, वहीं तक आता है ये, तो ये वाला पोजीशन भी अच्छा है और चौड़ा भी है बहुत, तो बैठने के बाद हेल्प भी होता है, जैसे थंडरबर्ड का बहुत छोटा आता था पहले का और इतना नीचे तक आता था, तो एकदम उतना हेल्प नहीं होता था, ये वाला इतना ऊंचा भी रहता है और इतना चौड़ा भी है, तो बैठने के बाद आराम लगता है। इंपॉर्टेंट बात, सब पूछेंगे माइलेज कितना देता है, सिटी में वही आपको 38-40 तक मिल जाएगा, अगर बहुत ट्रैफिक जाम में नहीं फंसते हो तो मोटा मोटी आपको कोई एवरेज में निकल जाता है 38-40 तक, 40 मिले ना मिले 38-39 तो मिल ही जाता है, और हाईवे में भी आपको वही 35 तक का आ जाता है, 35-38 तक आ जाता है, अगर आप 80-90 के स्पीड में चलाते हो, और अगर बहुत ज़ोर से चलाते हो उसके ऊपर जाते हो 100 के ऊपर तो थोड़ा कम होता है, कम भी मतलब उतना नहीं होता है, 35 तक आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, उससे नीचे नहीं देता है। इंजन वगैरह सब कुछ ठीक है, गियर शिफ्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, और ये मैंने देखा, मैंने 2-3 एवेंजर और भी चलाए, पर इसका गियर शिफ्टिंग मतलब उतना भी एकदम अच्छा नहीं है जैसा और बाइक का है, तो गियर शिफ्टिंग में इशू इसका कंपनी से ही आता है। गियर शिफ्टिंग वो भी आपका मान लो कि वो फर्स्ट और सेकंड गियर के बीच में जो न्यूट्रल आता है वो उस टाइम में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, और बाकी का एकदम सही है, और कोई दिक्कत नहीं है, वाइब्रेट भी नहीं होता, 120 तक आराम से चलेगा, क्रूज़ करेगा, कोई दिक्कत नहीं, 125 के बाद से थोड़ा बहुत जो भी आपका वाइब्रेट आएगा वो वाइब्रेशन यहाँ पे आता है हैंडल बार में या मिरर्स में, आपको 30-35 तक का कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा। इसका सीट मुझे सबसे गंदा लगता है, इसका सीट, ये वाला जो पोर्शन है, आई डोंट नो ये क्या कर्व क्या है इसका, साला इसमें बहुत दिक्कत होता है, आप जब लॉन्ग में जाओगे ना आपका बैक में बहुत दर्द होगा, स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ही पूरा वेट, मतलब बॉडी का जितना भी वेट है मोटा मोटी आप ये बाइक में कैरी करते हो अपने स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में, थोड़ा देर के बाद ये वाला जगह भाई साहब बहुत चुभता है, ये सीट एकदम अच्छा नहीं है, इसको अगर मॉडिफाई कर लोगे तो ठीक है, वरना
इसके ऊपर मैं फिगो फ्लोट लगा के अभी राइड करूँगा, तो उसके बाद देखते हैं कि कुछ चेंजेस आता है कि नहीं आता है। पिलियन सीट एकदम और भी घटिया है, मतलब माशाल्लाह क्या बताए, इसका पिलियन सीट जैसा गंदा हो ही नहीं सकता। इतना छोटा है इसका पिलियन सीट, इतना इतना छोटा है। कमर में दर्द होगा इससे, ये सीट बहुत बुरा है, तो ये वाला सीट का प्रॉब्लम बहुत है इसमें। पर इसमें पाव रखने का जो पोजीशन है, ये बाइक ना आप अगर देखोगे तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा है, मतलब बाकी बाइक से लंबा है, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग स्पेस बहुत है, तो आप आराम से यहाँ पे पैर बिठा के, मैं अपने बच्चे को भी लेके चलता हूँ, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है वो सब लेके। पर ये सीट अच्छा नहीं है। हमारा दूसरा प्रॉब्लम है इसका ब्रेक का, ड्रम ब्रेक जो है ये व्हील लॉक करता है, इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। और सामने का जो ब्रेक है ये भी अगर आप सिंगल ये वाला अप्लाई करोगे तो इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। व्हील से जो गैप है ना, इसके वजह से ना इसका बैलेंसिंग में थोड़ा दिक्कत है, और ये आपका ठीक से बैलेंस करता नहीं है, ठीक है। तो मतलब बैलेंस नहीं करता, मतलब यह ब्रेक मारोगे ना ये संग के संग लॉक कर देता है। ये फ्रंट वाला ज़्यादा करता है, बैक वाला भी करता है, तो आपको ना ध्यान में रखना ये बाइक पर्टिकुलरली, जब भी आप ब्रेक मारो तो हाथ का और पाव का दोनों को एक साथ अप्लाई करो तो फिर सही रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल ब्रेक मारना चाहते हो तो गया, तो यही है इसका ब्रेक अच्छा नहीं है ड्यू टू इसका वेट। एक्चुअली इसका वेट भी बहुत हल्का है, उतना भारी गाड़ी नहीं है। यहाँ पे अगर सैडल बैग है, टैंक बैग है, और आप बैठे हुए हो, या तो आप पिलियन लेके राइड कर रहे हो और वेट बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग आएगा। और अगर गाड़ी हल्का है, खाली आप जा रहे हो और ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो पर हाईवे से जा रहे हो, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 100 के बाद से गाड़ी ना उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं देता कि मतलब ब्रेक मारोगे सडनली, सामने में कुछ ऑब्स्टिकल्स आता है, आप धीरे धीरे ब्रेक मारते हो तो वो अलग बात है, पर अगर सडनली कुछ आ जाता है और आप ब्रेक मारते हो तो वो स्किड कर देगा। ये सस्पेंशन मैंने चेंज नहीं करवाया क्योंकि मेरे को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा। आप लोग अगर इसको चेंज करके रिप्लेस करवा के थंडरबर्ड के साथ लगा सकते हो थंडरबर्ड वाला, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थंडरबर्ड वाला इससे ज़्यादा मतलब वेटी है, तो इससे पीछे वाला साइड में ना थोड़ा आपको वेट मिलेगा, तो इससे स्किड होने का चांसेस कम होगा। होप सो मैंने बोल दिया जितना भी बोलना था। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हेडलाइट कैसा काम कर रहा है और इसका जो ऑक्स लाइट है वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है। अभी रात के टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अब लोगों को पता चल जाएगा कि इसका लाइट कैसे काम करता है। ये देखो इतना अंधेरा है, अब ये नाइट आई का, खाली नाइट आई का जो है ऑन कर दिया, ठीक है। हेडलाइट अब इसको अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, अंधेरे में नहीं पता, ये डीपर में अभी अपर में दिया, ठीक है। ये है नाइट आई का लाइट, इतना लाइट होता है, और एक्सट्रीम का जो ऑक्स लाइट है वो इतना ब्राइट है, बस देख लो सामने से ये जल रहा है। ऑल एक्सट्रीम का लाइट्स, ठीक है, 3 LED जो है ये वाला जल रहा है, नज़दीक से देख लो, देख सकते हो आप लोग कि कैसे दाग आ गया शीशे में, ऊपर से हीट जनरेट करता है ये बहुत। इसका लाइट बहुत अच्छा है भी नहीं, बस इतना ही लाइट देता है, और अगर इसको ऑफ कर देता हूँ, खाली नाइट आएगा, देखो कितना लाइट है, ये खाली नाइट आई जल रहा है, ठीक है। और अगर ये दोनों को जला दूंगा तो इतना लाइट होता है, फिर तब क्या है तुम्हारी चैनल, फिर तब ये आइकन।